नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। बोले डिप्टी सीएम अखिलेश यादव, किसानों के दर्द को नहीं जानते। ऑक्सीजन प्लांट, गेस्ट हाउस एवं ओवरब्रिज उद्घाटन के दौरान कही बातें। यूपी के कौसाम्बी को सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नवरात्रि के पहले दिन करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने सबसे पहले मंझनपुर मुख्यालय स्थित संयुक्त जिला अस्पताल में बने दो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद नव निर्मित सयारा स्थित श्री शीतला गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। अंतिम में अपने गृह नगर सिराथू कस्बे में बने रेलवे ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अब कौसाम्बी में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मौत नहीं होने पाएगी। सरकार ने जिले में 6 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है। सिराथू में ओवर ब्रिज बनने से लोगों को ट्रैफिक की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण देश एवं प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। सपा, बसपा और कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों के खाते में सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचता था, लेकिन अब देश में भाजपा की सरकार है। किसी भी योजना की रकम में कटौती नहीं होती है, पूरी रकम सीधे उनके खाते में पहुंचता है। देश एवं प्रदेश कोरोना से बाहर निकलेगा तो खजाना भी भरने लगेगा। मीडिया से उनसे अखिलेश यादव के लखीमपुर खीरी कांड के ट्वीट पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी को मुंगेरी लाल के सपने आने लगे हैं। वह श्री मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, उन्हें किसानों का दर्द नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक प्रदेश में सरकार रही थी तो किसानों के लिए अखिलेश यादव ने क्या किया। उन्होंने किसानों के साथ धोखा, छल एवं फरेब किया है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को सम्मान करती है क्योंकि वह देश के अन्नदाता हैं। अखिलेश यादव को हमेशा सपना दिखाई देता है कि वह मुख्यमंत्री हैं। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। के पवित्र पर्व पर मैं कौसाम्बी प्रदेश और देश और दुनिया में बसने वाले माँ के भक्तों को बधाई देता हूँ। आज कौसाम्बी में सौगात का दिन है। सौगात के दिन के क्रम में जहाँ एक ओर हम ये माँ शीतला देवी अतिथि ग्रह का लोकार्पण किए हैं, वहीं 5 मूर्तियां भगवान तथागत बुद्ध की, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी की और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की और भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमाएं हैं यहां पर स्थापित हुई हैं उनका भी अनावरण किया गया है। सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि जहां अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर राम वनगमन मार्ग जो भगवान की लीला के स्थान हैं उनको जोड़ने के लिए 4 लेन का मार्ग अयोध्या से चित्रकूट तक का बन रहा है, जिसमें गंगा जी पर श्रृंगबेरपुर से कुरई घाट को जोड़ने वाला 4 लेन का सेतु और फिर हम जब महेवा घाट पहुंचते हैं तो राजापुर को बाईपास करते हुए वहां यमुना जी में 4 लेन का सेतु, जो उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि प्रयागराज से जो बौद्ध परिपथ के रूप में जाना जाएगा वह कौसाम्बी अर्थात जो मुख्य कौसाम्बी गांव है, जो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर यानी भगवान बुद्ध के अनुयायी और भगवान महावीर के अनुयायी और अनेक पर्यटक देश और विदेश से भी आते हैं लगातार वहाँ तक। 4 लेन की एक सड़क, अगर मैं हाई कोर्ट से लेकर के एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेकर के कौसाम्बी तक की बात करूँ तो 1100 करोड़ रुपए की यह परियोजना है। इसको हम लोग नवंबर के महीने में प्रयास कर रहे हैं कि उसका हम शिलान्यास का काम संपन्न कर दें। हमारा प्रयास है कि कौसाम्बी का सर्वांगीण विकास हो, यहाँ रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हों, जहाँ सड़क, बिजली और पीने के पानी की सुविधाएं होती हैं, जहाँ कुछ प्रमुख धार्मिक ऐतिहासिक स्थल होते हैं वहाँ इस प्रकार के स्थानों पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उससे रोजगार सृजित होता है। वरुण गांधी और मेनका गांधी को राष्ट्रीय कार्यसमिति से बाहर किया गया है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, केशव प्रसाद का अधिकार। यादव ने ट्वीट किया है उनका कि जो वीडियो वायरल हो रहा है अब भी जो है बीजेपी सरकार उन आरोपियों को बचा रही है। अखिलेश यादव जी जो राजनीति घटिया कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको बहुत करारा जवाब
उत्तर प्रदेश का किसान भी देगा, नौजवान भी देगा, गरीब भी देगा, मजदूर भी देगा। और 2022 में समाजवादी पार्टी फिर उसी स्थिति में रहेगी जिस स्थिति में 2017 में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आते ही क्या कारण रहा कि लखनऊ में धारा 144 लगाई गई? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है। वो केवल मीडिया इवेंट बनाने के लिए आते हैं। उनको अगर दर्द होता तो सबसे पहले 1984 के जो घटनाक्रम थे तो उसी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते। धारा 44 तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, कोई शांति भंग ना हो ये तो प्रशासन का अधिकार है। क्या उनसे शांति भंग का अंदेशा था? उनसे शांति भंग का अंदेशा था कि नहीं था वो तो शांति